ठीक है। यहाँ के जो वर्तमान में वार्ड पार्षद प्रत्याशी है इंजीनियर रंजन कुमार झा, इनकी माँ इस वार्ड से दो बार पार्षद रह चुकी हैं और इनके पिताजी समाज सेवक थे। इनकी माँ ने अपने कार्यकाल में इस वार्ड में कई कार्य के लिए वो कार्य किए, जनता जान रही है। अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये लोग घूम गया है पूरे वार्ड में। अब मैं यहाँ के मतदाताओं से बात करता हूँ कि आखिर इस बार क्या इन लोगों का है उम्मीद और जो प्रत्याशी खड़े हैं उनके संबंध में क्या कहना है। देखिए मैं यहाँ के जो मतदाता है मैं उनसे बात करता हूँ। ये हमारा 18 वार्ड है, पहले 11 था अब 18 है। और हमारे वार्ड में बहुत समस्या आदित्य बाबू के जाने के बाद हो गया। इनकी माँ दो बार पार्षद रह चुकी हैं यहाँ, उसके बाद इससे पहले विगत कुछ कारण से वो मैंने हार गई। और रंजन जी पढ़ते थे, अभी पढ़ लिख करके आया है, बीटेक किए हुए हैं। और इनका इच्छा हुआ जो वार्ड का जो दशा देखे, यहाँ का व्यवहार विचार उसको ठीक करने के लिए हम जनता का सेवा करें और आदित्य बाबू का जो सपना अधूरा रह गया है उसको पूरा करें। ऐतिहासिक खड़े हैं, उनके संबंध में क्या कहना है आपका? बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत लायक आदमी हैं, समाज सेवी हैं, समाज सेवी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। इनसे उम्मीद है कि समाज का सेवा होगा। हमारे वार्ड में नाला पोखर का उराही क्या कहते हैं, यहाँ पे मच्छर का बहुत जमाव हो गया है और हम ज्यादा क्या कहें इससे। ज्यादा जल जमाव का निदान होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। जो आदित्य नेता जो हमारे थे चाचा जी, उनके डिजन में जो वर्क हुआ उसके बाद अभी तक कोई वर्क उसके बाद नहीं हो पाया, जिसके कारण मोहल्ला में आप देख ही रहे हैं जल जमाव को लेकर सारा व्यवस्था जो बहुत ही दुखनीय है। या यहाँ के जो भी पार्षद भाभी रहे हैं उनके तरफ से कोई भी वर्क नहीं हो पाया है, इसीलिए हम लोग ने उनके पुत्र को चुना है और इस बार हम लोग बहुत अच्छे वोट से जीत भी रहे हैं। देखिए ये मतदाता जो है स्पष्ट कर रहे हैं कि इनकी माँ यहाँ की पार्षद रह चुकी है। अच्छा मैं एक और दो मतदाता से बात, क्या कहेंगे आप? क्या चीज कहना? ये वार्ड जो चुनाव जो होना है, प्रत्याशी खड़े इनके संबंध में क्या कहना है और क्या लगता है? हमारे प्रत्याशी जो है नंबर 1 पर है और एक नंबर के आदमी हैं और अच्छे विचारधारा के आदमी हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज से इन्हीं का चुनाव हो और यही जीते। सबसे पहले तो समस्त वार्ड 18 के जनता को प्रणाम। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पिताजी स्वर्गीय आदित्यनाथ झा और हमारी माँ जो दो बार पार्षद रहीं चंदा झा, उन्होंने वार्ड में बहुत विकास का कार्य किया है। हमारे पिताजी एक तरह से जीवन समर्पित कर दिए वार्ड के लिए। इन्हीं का कुछ भी काम होता था वो खाना नहीं खाते थे, काम पर उनके चले जाते थे, उनका जीवन इसी काम में समर्पित है। उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने के लिए मेरा अंदर से इच्छा जगा कि हम भी अपने पिताजी की तरह समाज सेवा कर सके और वार्ड का विकास कर सके। हमारी वार्ड में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है, क्योंकि अभी भी नाला बना कुछ बना लेकिन वो भी सही ढंग से नहीं बन पाया यहाँ पे। और एक बात यह है कि प्रत्याशी भी वैसे वैसे हैं जो वही ठेकेदारी करते हैं और वही नाला बनाते हैं, वही नाला 6 महीना में टूट जाता है और वो कहते हैं कि हम नाला बनाए ये किए, मतलब ऐसा बहुत कुछ है हमारे वार्ड में। सबसे बड़ी जल निकासी की व्यवस्था उसको कैसे निकाला जाए और स्वास्थ्य व्यवस्था अभी तक वैसे ये नगर निगम में कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि वह प्रत्येक वार्ड में कम से कम छोटा सा नहीं बड़ा जैसे मोहल्ला क्लिनिक है उस टाइप का वार्ड में हो तो शहर के नगर के लोगों को बहुत अच्छा होगा कि कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा प्राथमिक उपचार के लिए। आप इंजीनियर हैं, अगर निर्माण की बात करें तो आप अगर जीतते हैं तो निर्माण के संबंध में अगर आपके वार्ड में कोई योजना आती है तो क्या आपकी नज़र रहेगी? सबसे बड़ी नज़र रहेगी कैसे बन रहा है उसकी गुणवत्ता, उसका जो गुणवत्ता है वो कैसा रहेगा, कैसे काम होता क्या है कि यहाँ तो पहले भी मतलब कोई बना रहे हैं ठेकेदार तो वो आधा पैसा पार्षद को दे देते हैं और आधा पैसा हम वो काम करते, वो भी काम कैसे करेंगे, आधा तो पार्षद ही पैसा ले लेते हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं वो काम पैसा वो भी ना ले, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, बस आशीर्वाद का जरूरत है और काम जो जनता का वो सही से हो सके।